जी आईटी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेंट के बारे में। पिछली क्लास में भी मैंने आपको इस पेंट के बारे में बताया था, लेकिन उसमें कुछ ही ऑप्शन मैंने बता पाया था, जो बाकी सारा ऑप्शन आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। मैंने आपको क्रॉप के बारे में बता दिया था, हो गया था सेलेक्ट भी हो गया था ना। चलिए यहाँ से हम एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ से पूरे ऑप्शंस के बारे में। जैसे मैंने क्रॉप के बारे में बताया था कि जिस तरीके से आपका स्निपिंग टूल काम करता है, सेम उसी तरीके से क्रॉप टूल भी काम करता है। बस दोनों में अंतर यही है कि जैसे क्रॉप टूल का प्रयोग आप करेंगे तो इसमें आप फोटो को आसानी तरीके से यहाँ से रिसाइज भी कर देंगे, लेकिन वही स्निपिंग टूल से करेंगे तो उसमें रिसाइज का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो चलिए, अगर इस ऑप्शन का प्रयोग करना है हमको सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फोटो हमारे पास होना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस ओ बटन दबा करके हम यहाँ पे कोई फोटो ओपन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इमेज हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए, जैसे कि यही इमेज मैंने ओपन कर ली। आइए, पूछ रहे हैं क्या? तो देखिए, जैसे ये फोटो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया सबसे पहले, तो किसी भी फोटो को साइज जैसे आपको पता करना हो तो एक्चुअल इसकी साइज क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें लिख रहा है 5.9 KB का ये साइज लिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो ये ऑलरेडी छोटा है। चलिए कोई दूसरा इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं जो जिसकी साइज बहुत बड़ा हो, जैसे कोई फोटो हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे देखिए ये वाला फोटो हमारे सामने रखा हुआ है, इस फोटो पे मैंने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले ओपन विथ, और यहाँ पे आ जाते हैं पेंट पे, और पेंट पे आते हैं तो देखिए इसकी साइज 76.6 KB का है, समझ में आ रहा है ना? तो इसकी साइज को और भी हमको छोटा करना है। तो जब साइज को छोटा करने की बात आती है तो कंट्रोल के साथ डब्लू दबाना होता है। क्या दबाना होता है? कंट्रोल प्लस डब्लू, और यहाँ पे आपको ले लेना है पिक्सेल मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, हटा दीजिए, और यहाँ से जैसे 1200 है तो यहाँ पे मैंने 1200 को हटा करके यहाँ पे ले लिया 250, और वर्टिकल में भी आप ले लीजिएगा 250। और जैसे ही ओके करेंगे तो फोटो की साइज तो छोटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही का वैसे ही आपको दिखा रहा है। तो इसके लिए या तो आप कंट्रोल प्लस यस दबा दीजिए, तो जैसे ही कंट्रोल यस दबाएंगे तो दोबारा से सेव करने के लिए आएगा, या तो कंट्रोल यस दबा दीजिए, और नहीं कंट्रोल यस दबाना है तो जैसे देखिए दोबारा से मैं सेव करना चाहता हूँ इस इमेज को, और कहाँ पे? तो डेस्कटॉप पे, और किस नाम से? तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया राम जी बाल पेपर। ठीक है, और यहां से मैंने इसकी जो है फाइल टाइप में मैंने यहां से ले लिया जेपीजी, और यहां से मैंने कहां पे सेव किया? डेस्कटॉप पे, यहां से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो डेस्कटॉप ये रामजी वॉलपेपर के नाम से आया है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए इसकी साइज क्या होना चाहिए एक्चुअल में, इसकी साइज वो आपको यहाँ पे शो करके बताएगा कि एक्चुअल में इसकी साइज क्या है। तो राइट क्लिक करिए फोटो पे, और यहाँ से आ जाइए ओपन विथ पेंट पे। अब देखिए अब साइज क्या बता रहा है, 35 KB का बता रहा है ना। चलिए एक और ऑप्शन बता देते हैं, जैसे देखिए जैसे आपके सिलेबस में CCC का फॉर्म भरना भी बताया जाता है, तो CCC का फॉर्म भरते हैं तो उस केस में फोटो को, सिग्नेचर को और थंब को स्कैन करके अपलोड करना होता है, तो उस केस में हम कैसे बनाते हैं देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे CCC का यहाँ पे जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे केवल टाइप करिएगा CCC ऑनलाइन फॉर्म और एंटर करिए, ठीक है, और यहाँ से पहला वाला वेबसाइट यहाँ से ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ से ये कुछ ऑप्शन आएगा, इसको हटा दीजिएगा। हटाने के बाद पेज को थोड़ा सा आप नीचे लेके आइए, जब नीचे लेके आएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी पे जस्ट क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा CCC, इसी पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद पेज को थोड़ा सा नीचे लेके आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ से ये पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए अब हम पेज को नीचे लेके आते हैं तो इसमें बताता है फोटो को अपलोड करें, हस्ताक्षर अपलोड करें, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करें। तो जैसे देखिए चूज फाइल पे मैंने क्लिक किया, ये कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से मैंने कोई फोटो सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि हम डेस्कटॉप पे ही आ जाते हैं यहाँ पे, और डेस्कटॉप से कोई फोटो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ,
जैसे ये वाला मैंने फोटो ले लिया, ओपन किया, देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप इसको जेपीजी चेंज करिए, क्योंकि जेपीजी अलाउ है इस इमेज में। अगर जेपीजी फोटो नहीं है, चाहे पीएनजी नहीं है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब देखिए करना क्या है, आप चाहते हैं कि इस फोटो को हम इसमें इंसर्ट करें, तो कह रहा है कि 132 और 170 में होना चाहिए। जैसे कैसे हम रिसाइज करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये डीपली समझिएगा मैं जो जो आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से किसी इमेज को आप ओपन कर लीजिए, जैसे कि यही वाला इमेज मैंने ले लिया, और इसमें ट्रिपल सी फार्म के नाम से एक फोल्डर बना लीजिए, ट्रिपल सी डाटा। अब चलिए इस फोटो पे राइट क्लिक करिएगा और ओपन विथ, कहाँ लेके जाना है, पेंट में। जब पेंट पे हम लेके आएंगे तो देखिए ये फोटो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहीं पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाइए, क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे आपको लेना है पिक्सल, क्या लेना है, पिक्सल, और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, कह रहा है कि 132 और 170 में होना चाहिए, बता रहा है ना यहाँ पे। तो देखिए सबसे ऊपर वाले में 132 आप रखिए, ऊपर वाले में 132 और नीचे वाले में 170 हो जाए, और पुनः ओके करिएगा। ओके करने के बाद यहीं पे F12 बटन दबा दीजिएगा दोबारा से सेव करने के। अब कहाँ पे सेव करके रखना है, तो मैंने एक फोल्डर किसमें बनाया था, पिक्चर में, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और किस नाम से, ट्रिपल सी डेटा, ट्रिपल सी डेटा के नाम से मैंने फोल्डर कुछ बनाया था, नहीं वो तो पहले था ना, वो तो पहले मैंने बनाया था, डेस्कटॉप पे ही था हमारे ख्याल से, डेस्कटॉप पे ही मैंने बनाया था। नहीं ये नहीं है, अच्छा स्लाइड इमेज का फोल्डर है उसके अंदर मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से F12 बटन दबाइएगा, F12 बटन दबाने के बाद जैसे मैंने डेस्कटॉप पे स्लाइड इमेज के नाम से कुछ दिख रहा है, स्लाइड इमेज के अंदर मैंने ये फोल्डर बनाया था, इसको ओपन कर लीजिएगा और इसको सेव एज करते समय इसमें लिख लीजिएगा क्या, फोटो, और यहाँ पे HEIC से लिखा हुआ है ना, यहां से क्लिक करके ले लीजिएगा JPEG, और बस यहाँ से आप सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सेव हो गया। अब चलिए अब हम ट्रिपल सी के फॉर्म पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करिएगा, चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्रिपल सी डाटा और यहाँ से फोटो आप सिलेक्शन कर लीजिए, हो गया। इसके पहले एक्सेप्ट कर रहा था, तो इस तरीके से जब तक हम उसको रिसाइज नहीं करेंगे तब तक ये फोटो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब चलिए अब क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए क्या लिखा है, 170 और 132 उल्टा है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप चलिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्रोम पे, यहाँ पे क्रोम से कोई यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं सिग्नेचर, कोई सिग्नेचर का इमेज हम ले लेते हैं, जैसे कि यही वाला मैंने इमेज ले ली, और इमेज पे राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सेव इमेज है इस पे चले जाएंगे, और इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं कहाँ पे, तो मैंने डाउनलोड कर लिया कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे, और किस नाम से, तो स्लाइड इमेज में, स्लाइड इमेज वाले फोल्डर में इसको मैंने क्या कर दिया, सिग्नेचर के नाम से डाउनलोड कर दिया, हो गया ना। अब इसको भी रिसाइज करना पड़ेगा ना, तो चलिए रिसाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम स्लाइड इमेज ओपन करेंगे, और यहाँ से जो सिग्नेचर मैंने डाउनलोड करके रखा इसी पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ, कहाँ जाएंगे, पेंट में आ जाएंगे। अब देखिए पेंट में हम आएंगे तो इसकी साइज देखिए इतना बड़ा आपको दिखा रहा है, क्या साइज दिखा रहा है, 66 KB का दिखा रहा है, क्या ये साइज अपलोड हो पाएगा, तो कंट्रोल प्लस डब्लू, और यहां से आपको करना क्या है, देखिए जैसे ही रिसाइज पे आप क्लिक करिएगा यहाँ से, तो यहाँ से पिक्सल लेना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है, और इसमें कितना लेना है, 170, क्योंकि ये सिग्नेचर की बात हो रही है, और यहाँ पे 725 को हटा करके 132 और ओके कर दीजिए, और पुनः F12 बटन दबा दीजिएगा, और इसको भी हम सेव करेंगे कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे, और किस नाम से फोल्डर बना था, स्लाइड इमेज के नाम से, पहले स्लाइड इमेज ओपन करेंगे तब ट्रिपल सी डाटा मिल जाएगा, और इसमें आपको लिख देना है क्या, सिग्नेचर,
और इसमें पीएनजी को हटा के क्या ले लेना, जेपीजी ले। अब ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, हो गया। अब चलते हैं फॉर्म पे, तो फॉर्म पे जैसे ही आ जाएंगे आप, यहाँ से मैंने मान के चले कि स्टूडेंट डेटाबेस पे आ गया और यहाँ से चूज इमेज पे क्लिक किया मैंने, तो देखिए इस इमेज को हम ओपन करेंगे, यही है ना इमेज, और चूज पिक्चर ओपन करेंगे, देखिए अपलोड हो गया। इसकी 5 KB का होना चाहिए और 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, यानी कि फोटो की साइज क्या है, बड़ी है ना, तो फोटो की साइज को भी हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। देखिए 4 KB का हो गया, होना कितना चाहिए, 5 KB का होना चाहिए। इसकी साइज बहुत छोटा हो गया। चलिए कोई और सिग्नेचर हम ले लेते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद पेंट पे आ जाएंगे। इसकी साइज 8 KB का है ना, चलिए ये हो जाएगा। अब रिसाइज पे आ जाइएगा और यहाँ से पिक्सेल ले लेना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है, इसमें कितना लेना है 170 और इसमें 132, ओके करते हैं। चलिए F12 बटन दबाते हैं और दोबारा से सेव कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ WW के नाम से मैंने सेव कर लिया उसी फोल्डर में। अब चलिए अब सबसे पहले आ जाइएगा चूज फाइल पे और यहाँ से आपको वही वाला फोल्डर ले लेना है, ओपन कर दे, हो जाएगा। अब चलिए अब इसके बाद से क्या लिखा है, थंब लिखा है, लेफ्ट साइड का थंब। चलिए इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इसको भी क्रोम पे आकर के और इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। थंब चलिए यहां से थंब आ गया ना, लेफ्ट थंब ऐसे लिखना था, लेफ्ट थंब, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जैसे ये वाला इमेज आ गया। अब इस पे भी राइट क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, इस इमेज को क्या करेंगे, सेव इमेज एज पे जाएंगे और इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, कहाँ पे, तो चलिए डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेते हैं और उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मैंने डेटा रखा था, स्लाइड इमेज के नाम से था ना, और यहाँ पे लिख लेना है बस आपको थंब, THUMB, और यहाँ से सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसके बाद से क्या करेंगे, फोल्डर ओपन करेंगे ना, स्लाइड इमेज और थंब पे माउस का राइट बटन दबाएंगे, ओपन विथ, कहाँ लेके जाएंगे, पेंट में, जिसकी साइज क्या बता रहा है, 25 KB का बता रहा है, तो कंट्रोल प्लस W और यहां से ले लेंगे पिक्सल, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देंगे। आप इसमें देखिए एक्चुअल साइज क्या दिखा रहा है आपका, देखिए इसमें भी बता रहा है 170 और 132, केवल अलग है तो क्या है, बस फोटो का, ऊपर वाले में 132 होगा, नीचे वाले में 170 होगा, लेकिन जब सिग्नेचर और थंब करना होगा तो ऊपर वाले में 170 हो जाएगा और नीचे वाले में 132 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले कंट्रोल W दबाइएगा और इसमें आपको लेना है 170 लेना है और इसमें 200 को हटा करके 132 ले लेना है, बस यहाँ से ओके कर देना, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे क्या दबाएंगे, F12 बटन दबाएंगे दोबारा से सेव करने के लिए। अब हमको सेव करना है कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे और यहाँ से स्लाइड इमेज वाले फोल्डर में ना, और इसी में CCC डाटा के नाम से मिल जाएगा। अब इसमें हम इसको हम सेव कर लेंगे, कुछ नंबर भी यहाँ पे प्रेस करके सेव कर, हो जाएगा। अब चलिए अब हम चले आए सबसे पहले क्रोम पे और यहाँ से चूज फाइल पे आ जाइएगा। अब इसके बाद से आपको आना है कहाँ पे, थंब वाले ऑप्शन पे और यहाँ से ओपन कर लीजिए, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। तो ये CCC भरते समय अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि बच्चे फोटो को रिसाइज नहीं कर पाते, ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फोटो को कैसे रिसाइज करेंगे, सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करेंगे और थंब को किसे रिसाइज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अगला ऑप्शन के बारे में हम समझते हैं, अभी तो मैंने आपको केवल रिसाइज के बारे में बताया, तो क्रॉप ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं,
किसी फोटो में से कुछ हिस्सा काट करके अलग किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए करते हैं, मैंने बताया था ना। तो जैसे मान के चलिए यहां पे मैंने कोई फोटो डाउनलोड कर ली, कंप्यूटर इमेज मैंने यहां से लिख लिया, कंप्यूटर इमेज। या कुछ बैनर ले लीजिए, देखिए जैसे ये कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ है ना, इस इमेज को मैंने राइट क्लिक करके और इस इमेज को मैंने यहां से सेव इमेज एज पे क्लिक करके और इसको मैंने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख ली। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे और CCC वाले में इसको मैंने क्या कर दिया, सेव करके रख लिया। अब यहां से हम आ जाते हैं, सबसे पहले विंडो प्लस आर मैंने दबाया, MS पेंट यहाँ से ओपन कर लीजिए। पेंट ओपन करने के बाद इस पेज को थोड़ा सा बड़ा करिएगा और कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाइएगा। और ये डाटा मैंने कहाँ पे रखा है, यही वाला डेटा है ना, इस डेटा को आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन हो गया। अब चलिए, अब इसमें से हम ये चाहते हैं कि जो कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लिखा है बस इसी को हम क्रॉप करके अलग करें, तो क्या क्रॉप ऑप्शन हाईलाइट है? हाईलाइट तब होगा जब डेटा को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्शन पे आ जाइएगा और यहां से ले लेना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यहां से लेकर के यहां तक डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। अब देखिए क्रॉप ऑप्शन हाईलाइट हुआ, अब यहां से क्रॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत। फिर फाइल पे आइए, सेव एज पे आइए और इसको किसी और नाम से आप सेव कर लीजिए, जैसे कि मैंने म्यूजिक में कुछ नाम देकर के सेव कर लिए। तो ये आपका क्रॉप ऑप्शन होता है। रोटेट के बारे में पता ही है, आप इसको घुमा सकते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये टेक्स्ट पे काम कर रहा है, तो क्या पिक्चर पे काम करेगा? पिक्चर पे भी काम करेगा। जैसे यहां से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे किसमें मैंने सेव किया था, डेस्कटॉप पे ना, और यहां से हम ले लेते हैं सर स्लाइड इमेज। देखिए अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप फोटो अगर आप स्कैन करते हैं तो फोटो उल्टा स्कैन हो जाता है। इस केस में फोटो को सीधा करने के लिए यही रोटेट वाला ऑप्शन आपका काम करता है। देखिए आप अगर उल्टा है फोटो तो आप इसको सीधा कर सकते हैं रोटेट वाले ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है? तो ये इसका वर्क होता है। और बाकी ये रोटेट आपका ऑप्शन काम करेगा किस पे, शेप पे भी काम करेगा। जैसे मान के चले कि यहां से कोई शेप मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कर दिया। अब इसको भी हम क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे, रोटेट पे, और यहां से भी आप चाहेंगे तो उसको रोटेट कर सकते हैं। हो रहा है चेंजिंग, तो यहां से आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से मैंने आपको पेंसिल के बारे में बताया ही था कि पेंसिल का प्रयोग कैसे, मतलब कोई ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए करते हैं, हटाना हो तो कंट्रोल जेड से आप हटा सकते हैं। और प्लस ये भी मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से आपने कुछ बनाया है, इसकी लेयर मोटा करना चाहते हैं तो आप इसकी लेयर को मोटा भी कर सकते हैं, मिटाना है तो आपके पास इरेजर भी होता है, इरेजर की साइज बढ़ाने का शॉर्टकट की, बस कंट्रोल प्लस प्लस जितने बार दबाएंगे उतने बार इसकी साइज बढ़ेगी। अब यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है? इससे बड़ा नहीं हो, ये लास्ट है। चलिए जैसे हम बता रहे हैं फ्लैग का फिगर कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसकी लेयर को थोड़ा सा हम पतला कर देते हैं, जैसे कि ये वाला मैंने शेप ले लिया, इसकी लेयर को पतला कर देते हैं, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है? इसी के अंदर एक और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, आप चलिए इसके बाद से आपको ये वाला सिंबल लेना और इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब इसमें कुछ लाइनिंग भी बना दीजिएगा, ये लाइनिंग वाले शेप से,
ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए करना क्या, इसके बाद से पुनः यहाँ से कलर ले लीजिएगा, ये वाला कलर, और इस पे अप्लाई कर दीजिए, ये वाला कलर इस पे आ जाएगा। इतना बनाने के बाद इसके बाद से आप पुनः इसी एरो, इसी रेक्टेंगुलर को ले लीजिएगा, कलर में ब्लैक ले लीजिएगा, और यहां से लेकर यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है ना। इस क्लियर को और भी मोटा पतला करना है, इस क्लियर को और भी मोटा पतला यहां से कर लीजिएगा, बस यहां से लेयर को हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से पुनः यहां से ऐसे शेप ले लीजिएगा, और यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, क्या चीज शेप, ये शेप नहीं दिखा है, इसी शेप को तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, नहीं। नहीं तो आराम से आप खींचिए ऐसे, क्योंकि ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप आराम से करिए, फिर इसी के अंदर एक और लेना है तो इस तरीके से फिर बनाइए, ऐसे नहीं बन पाएगा। इसको और सेंटर में होना चाहिए, मैंने ज्यादा दूर बना दिया। अब इसके बाद से यहाँ पे कर्व वाला शेप ले लीजिएगा, इसका नाम है कर्व शेप, इस पे क्लिक करिएगा, और यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद से अगर आपको कुछ लिखना भी है तो देखिए, इसके लिए आपका टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे दे रखा है, इस टेक्स्ट बॉक्स को ले लीजिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और पुनः इसको सिलेक्शन करके देखिए, इतना डेटा आप सिलेक्शन कीजिए, इसका अलग कलर दे दीजिए, फिर इसको सिलेक्शन करके इसका भी डिफरेंट कलर, पर ये सिलेक्शन रहेगा तभी ऑप्शन काम करेगा, यहां से इसका अलग कलर दे दीजिए, डिफरेंट कलर मेरे साथ, बस इसको छोटा करना है तो छोटा कर लीजिएगा, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना हो तो आप ये क्लियर करिएगा कि सिलेक्शन में होना चाहिए, सिलेक्शन में करने के बाद इसकी साइज को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसकी साइज को बढ़ा सकते हो, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, अब स्टार का सिंबल बनेगा, आप इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा ब्रशेज भी दिया हुआ है, देखिए इस ब्रशेज का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं, जैसे ये ब्रशेज है, अलग अलग कलर का ब्रश है आप इसमें ले सकते हैं, ये सब ब्रश है, यहाँ से ब्रशेज आपको मिल जाएगा, ये भी ब्रश है, कुछ इस तरीके से ब्रशेज भी मिलता है, देखिए ये सब ब्रश है, ये एयर ब्रश है, कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए यहाँ पे ब्रश दिया हुआ, देखिए अलग अलग ब्रशेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में बता देते हैं, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आउटलाइन और फिल लिखा हुआ है, ये दो ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आप यहाँ पे शेप पे जब क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, जब ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तभी जाकर के ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट होता है, अदरवाइज हाईलाइट नहीं। देखिए मैं साइड में कहीं क्लिक किया ये ऑप्शन, अब ये ऑप्शन अप्लाई जल्दी नहीं होता है, देखिए कुछ काम कर रहा है, इसका काम तभी हो पाएगा जब आप क्या करिए कि यहां से शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, अब जाकर के ये आपका इफेक्ट काम करेगा, देखिए क्योंकि इसके लेयर को थोड़ा मोटा कर देते हैं, अब देखिएगा चेंजिंग कुछ देखने को मिल रहा है, उस तरीके से नहीं काम करेगा, अब साइड में कहीं क्लिक कर देंगे हाईलाइट तो रहेगा लेकिन कुछ काम नहीं करेगा,
काम कब करेगा? जब डायरेक्टली आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और तब जाकर के आप इसमें कौन सा इफेक्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, नो कलर करेंगे तो कोई कलर आपको नहीं दिखाएगा, सॉलिड कलर में तो दिखा ही रहा है, कैरियन में कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, चेंजिंग दिख रहा है सब में। फिर यहाँ से मार्कर लेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा, ऑयल है ये, नेचुरल पेंसिल है, वाटर कलर है, कुछ इस तरीके से दिखाएगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट इसमें जरूर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसी के जैसा आपका शेप फिल भी दिया हुआ, अभी तो नो फिल लिया हुआ, इसमें मैंने ले लिया क्या मार्कर, अब यहां से कलर का डब्बा उठाइए, यहां से पहले कोई शेप ले लीजिएगा, शेप लेने के बाद यहां से आउटलाइन को थोड़ा सा हम पतला कर देते हैं, यहां से अब चलते हैं हम फिल पे, और यहां से मैंने ले लिया क्या ऑयल, और यहां से कोई कलर वाला डब्बा ले लीजिए आप, दिख रहा है कैसे हुआ है कलर, फिर इसको कंट्रोल जेड से अंडू करिए, फिर यहां से दूसरा लेना है तो फिर आप यहां से कोई और शेप ले लीजिए, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, इसमें दूसरे तरह से कलर आपको फिलअप करना है तो पुनः यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ले लिया, और यहां से कलर वाला डब्बा ले लीजिएगा, और यहां से देखिए कैसे इस तरीके से, देखिए इसमें कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा होगा, तो ये सब कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, अक्सर इमेज वगैरह बनाते समय इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करना होता है, तो इसके लिए हमको किस कलर का इस्तेमाल करना है ये बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का वीडियो आप करके देख सकते हैं। जैसे नेचुरल पेंसिल भी लिया हुआ, नेचुरल पेंसिल का कलर कैसे आएगा देखिए, ये नेचुरल पेंसिल है ठीक है, तो अलग अलग कलर आप देगा, लेकिन कब हाईलाइट होगा, तो जब आप शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तभी, उसके बाद ये हाईलाइट नहीं है। अगला ऑप्शन दिया है जूम इन दिया हुआ है, पेज को हम जूम कर सकते हैं कहां तक, 800% तक मैंने बताया था ना, और घटा सकते हैं कहां तक, 10% तक घटा सकते हैं, कि 12.5% तक, 12.5% तक इसको घटा सकते हैं, और जैसे मान के चलिए कि पेज आपका बहुत छोटा दिख रहा है ना, 100% पे लेके आना, तो यहाँ 100% पे क्लिक कर दीजिए, ये तत्काल 100% पे चला आएगा, अगर आपने इसकी साइज को बहुत बढ़ा दिया है और तब भी जाकर के आप 100% पे आना चाहते हैं तो 100% पे क्लिक करिए, ये डायरेक्टली 100% पे ही चला गया। रूलर के बारे में मैंने आपको बताया ही था, ये रूलर आपको दिख रहा है ना, अगर ये ट्रिक हटा देंगे तो रूलर गायब हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर इसकी शॉर्टकट की होती है, और पुनः क्लिक करेंगे तो ये रूलर ऑप्शन आपको दिखने लगेगा, और ग्रिड लाइंस मतलब क्या होता है, पेज को ग्राफ के रूप में बना देगा, कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखेगा ठीक है, अगर कंट्रोल एन से एक नया पेज लेते हैं तो भी इसी के जैसा मिलेगा आपको, ऐसे ही पेज आपको मिलेगा, इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है, इसको हटाने के लिए पुनः ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शन पे ट्रिक करेंगे तभी जाकर के ऑप्शन डिसेबल होगा। स्टेटस बार क्या होता है, जो पेज के सबसे बॉटम में दिखाता है कि पेज की साइज क्या है, समझ में आ रहा है ना, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, फुल स्क्रीन में करना है तो यहाँ से फुल स्क्रीन में भी करके देख सकते हैं, देखिए फुल स्क्रीन में हो गया, F11 मैंने शॉर्टकट की बताया था ना, F11 से फुल स्क्रीन और F11 से नॉर्मल स्क्रीन में भी कर सकते हैं, यही सब इसका प्रयोग है, कोई दिक्कत हो जाएगा प्रैक्टिकल, एक बार और बता दें, चलिए दो कलर वाला एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि पेज को क्या करेंगे, पेज को डिवाइड करेंगे ना दो भागों में, तो देखिए इसके लिए आप सबसे पहले कोई शेप ले लीजिएगा, जैसे कि ये वाला शेप मैंने ले लिया, और यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से कुछ ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए, यहां से लेकर के और यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, इसको पेज से बाहर कर दीजिएगा, पॉइंट बाहर करने के बाद दो कलर आप ले लीजिएगा, जैसे कि यहां से मैंने रेड कलर ले लिया, और यहां से फिल डब्बे वाले कलर को लेकर के इसमें मैंने फिलअप कर दिया, एक रेड कलर हो गया, और दूसरे में मैंने क्या ले लिया येलो कलर, इसमें येलो मैंने भर दिया, दो कलर की कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, अब क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस डब्लू, इसमें लेना है क्या पिक्सल लेना, और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देना, अब इसमें मात्र कितना लिखना है, एक लिखना है और ओके कर देना, और फिर कंट्रोल प्लस डब्लू, और यहां से पुनः पिक्सल ले लीजिए,
मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो हटा दीजिए और इसमें डायरेक्टली आप 5,000 ले लीजिए और ओके कर दीजिए, हो जाएगा। यही मैंने बताया था कि ग्रेडियंट करना, और क्रोम का सिंबल मैंने बताया था, क्रोम का सिंबल कैसे बनाएंगे, बना था, टिकट गया था। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले तो एक गोल वाला शेप ले लेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा बड़ा रहे, ठीक है, और फिर इसी के अंदर एक और ऐसे शेप बनाएंगे। फिर इसी के अंदर एक और शेप ले लेना था, ऐसा ही मैंने बताया था ना, और यहां से एक शेप ले लेना था लाइनिंग वाला, और यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप करना था। इसका कलर दे दीजिएगा येलो कलर, हम बता रहे हैं, और फिर यहां से आकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, और इसका कलर ग्रीन दे देना, ठीक है, और पुनः यहां से लेकर के यहां तक, इसका कलर अब देखिए, इसमें अगर येलो है तो इसमें येलो ला करके फिलअप कर देंगे, क्यों इसे आ रहा है प्रॉब्लम, ऑयल वाला लिया गया, बड़ी डिस्टर्ब करेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हटा देते हैं। इसमें ले लेते हैं सॉलिड कलर, चलिए यहां से ले लेना है कलर वाला डब्बा, इसमें लाके भर देना है, अभी भी वही डिस्टर्ब कर, इसको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। चलिए ठीक है, यहां से मैंने शेप ले लिया, से ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कर लिया, इसका कलर मैंने यहां से ब्लैक ले लिया, अब यहां से हम ले लेते हैं सॉलिड कलर, सॉलिड कलर, चलिए ऐसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप एक और कर लिया, एक और शेप था ना, एक और शेप ऐसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसके बाद से यहां से क्या करेंगे, लाइनिंग लेंगे, और पहले तो हमको यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। इसका कौन सा कलर है, येलो कलर, फिर एक और शेप ले लेना यहां से लेकर के यहां तक, इसका भी येलो ही रहेगा ना, और इसके बाद से यहां से लेकर के यहां तक, इसका कलर दे देंगे कौन सा, ग्रीन कलर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले कलर भरिए, अब यहां से हम ले लेते हैं कलर वाला डब्बा, इसमें भरना है रेड कलर, इसमें भरना है येलो कलर, इसमें भरना है, ठीक है ना, और बीच वाले में कौन सा कलर, ये वाला है ना, हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कैसे दिखा रहा है, क्रोम सिंबल, ऐसे ही तो दिखा रहा है, और यहां पे आकर के आप चाहेंगे तो यहां से टाइपिंग कर दीजिए, यहां से आप टाइपिंग कर दीजिए क्रोम,
ठीक है। बाकी YouTube का सिंबल तो बन जाएगा ना, ऐसे बनाइए आप लोग लैब में जाके। कल हम दूसरा सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, इसको आज फाइनली कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।